योगी राज में खाकी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कभी थाने में नाबालिग से रेप करता है तो कभी खाकीदारी वर्दी के रौब में पड़ोसियों का जीना हराम कर देता है। कानपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक दरोगा और उसके बेटे का कहर पड़ोस में रहने वाले परिवार पर टूट पड़ा। पीड़ित का परिवार इतने खौफ में है कि वो घर पर ताला लगाकर कभी रिश्तेदारों तो कभी पार्क और मंदिरों में दिन काट रहा है। दारोगा के बेटे ने पीड़ित को चौकी में लात घूसों से पीटा, इसके बाद उनके बेटे और पत्नी को घर में बंद करके मारा। दारोगा दबाव बना रहा है कि कुछ रुपए ले लो और मकान बेचकर यहाँ से भाग जाओ, वरना दोनों बेटों को लूट और चोरी के मामले में जेल भिजवा देगा। मेरे साथ में एक मेरे सामने पड़ोसी अभी तीन चार साल पहले दरोगा जी आए हुए, उनका राकेश पांडे नाम है जी, वो झांसी पे कहीं तैनात है। उनके जो लड़के हैं सौरभ पांडे, उन्होंने भैया छह सात लड़कों लेके मेरे दरवाजे में ना रास्ते में ना मुझे चौकी के अंदर घुसेड़ के मार रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए ले मकान छोड़ के भाग जा। मैं जमात दौड़ रहा हूँ, जमात लिखे से लगा रहा, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। चौकी के इसी चौकी के अंदर पहले बंद करने के लाए, वहाँ कोई बैठा नहीं था, वहीं लतेड़ के सब खून कच्चर किया। वहीं इस मामले को लेकर गोविंद नगर थाना के सीओ जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि विवाद मिट्टी डालने को लेकर हुआ था। भरत द्विवेदी की तरफ से प्रार्थना पत्र मिला है और पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। न्यूज़ के लिए कानपुर से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।